जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि ईस्ट पटेल नगर शनिपीठ मंदिर नई दिल्ली से पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आपका अपना दैनिक डेली राशि फल लेकर। क्या कहते हैं आपके सितारे, किंतु इस चर्चा को प्रारंभ करने से पूर्व आप में से एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति ने मुझसे एक सवाल पूछा है। वो सज्जन कहते हैं कि गुरुजी, एक ही समय पर मान लीजिए हमारे देश में 100-200 बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी जन्म कुंडली तो एक जैसी होंगी, तो फिर उनको अलग अलग प्रभाव क्यों मिलता है और वो अलग अलग कुल में जन्म क्यों लेते हैं। तो मैं आप सभी ज्ञानी व्यक्तियों को बताना चाहूंगा कि एक ही समय पर एक दो नहीं हजारों लाखों बच्चों का कई बार विश्व में जन्म होता है। कोई राजा के यहाँ जन्म लेता है, कोई मंत्री के यहाँ जन्म लेता है, कोई कलेक्टर के यहाँ जन्म लेता है, कोई साधारण व्यक्ति के यहाँ जन्म लेता है, कोई बहुत बड़ी व्यापारी के यहाँ जन्म लेता है, और कुछ लोगों का जन्म फुटपाथ पर होता है, कुछ लोगों का जन्म भिखारियों के यहाँ भी होता है, मगर उन सब बच्चों की जन्म कुंडली तो निश्चित रूप से एक ही होंगी जब एक ही समय पर जन्म होगा तो। और लगभग जो लैटिट्यूड के हिसाब से हम देखें तो काफी सारे बच्चों की जन्म कुंडली बिल्कुल एक जैसी ही होगी। तो ये जो फल का डिफरेंस है ये उनके पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप होता है। जिसने अच्छे कर्म किए होंगे तो वो बेशक उसके उस समय खराब जन्म की ग्रह खराब क्यों ना हो, किंतु वो राजा के यहाँ जन्म लेता है, मंत्री के यहाँ जन्म लेता है, कलेक्टर के यहाँ जन्म लेता है, और खराब कर्म करने वाला व्यक्ति भिक्षुक के यहाँ जन्म लेता है, फुटपाथ पर जन्म लेता है, बहुत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति के यहाँ जन्म लेता है। तो ये पिछले जन्म में उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों का फल था जो आपको इस जन्म में भुगतना पड़ता है। आप ये मत सोचिए कि आप कुछ भी कर रहे हैं कोई देख ही नहीं रहा। प्रभु की आंखें और प्रभु के जो नवग्रह मंत्री हैं उन सब की आंखें तो हर समय ही आपके ऊपर टिकी हुई हैं। उनकी आंखों के सामने से तो आप भाग ही नहीं सकते। आपके एक एक पाप और पुण्य का लेखा जोखा स्वयं यमराज के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं चित्रगुप्त जी महाराज वो रखते हैं और उसी के अनुसार कर्म फल आपको प्राप्त होता है। तो एक ही जन्म कुंडली होने के पश्चात भी वो अलग अलग जगह शिक्षा पाते हैं, कोई शिक्षा पाता ही नहीं है, उसकी शुरुआत शिक्षा में भीख मांगने से होती है, तो कोई विदेशों में पढ़ने जाता है अपनी शिक्षा स्टार्ट करने के लिए, बड़े बड़े कॉलेज इस बड़े बड़े बेहतरीन स्कूलों में उसकी शिक्षा का प्रारंभ होता है, और कोई आम साधारण स्कूल में किसी की शिक्षा का प्रारंभ होता है। तो ये जो कर्म फल हैं जो उसको मिले हैं वो निश्चित रूप से हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्मों का फल होता है। तो 100 बार ध्यान रखिए अगर आप कोई गलत कर्म कर रहे हैं, आप 100 बार ध्यान रखिए कि आपको बहुत सारी आंखें देख रही हैं और आपके हर बुरे और अच्छे कर्म का लेखा जोखा वहां पर इकट्ठा हो रहा है। पुनः आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा विशेष रूप से मंदिरों के उन ट्रस्टियों का जिन्होंने अरबों खरबों रुपए अपने मंदिर में संपत्ति के रूप में इकट्ठे कर रखे मंत्र, किंतु इस राष्ट्रीय विपदा के समय पर उस पब्लिक के पैसे को, क्योंकि तो मंदिर का पैसा ट्रस्टियों की कमाई हुई दौलत नहीं है, वो पब्लिक ने अपने खून पसीने से एक एक रुपया इकट्ठा कर दिया है उस चंदे में, वो पूंजी है। तो वो पूंजी हमारे देश के
गरीब और बेसहारा निर्धन लोगों के काम आ सके। इस आपदा के काल में प्रधानमंत्री राहत कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जानी चाहिए और राहत का राहत की जरूरत ना भी पड़ रही हो तो ऐसी सभी पूंजी को हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा स्वयं निर्णय लेकर इन ट्रस्टियों से कम 95% जो पूंजी है उसको सेना की बहुत सारी जरूरतें, अपने देश के विकास की जरूरतें, हमारी सड़कों की जरूरतें, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों के रूप में बेझिझक इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2077 3 अप्रैल सन 2020 दसवीं तिथि है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की। आसमान में पुष्य नक्षत्र और सुकर्मा योग बने हुए हैं। आज शुक्रवार का दिन है। आज का जो राहु काल है सुबह 10:50 से लेकर 12:24 तक रहने वाला है। इस राहु काल के दौरान आप कोई भी शुभ कर्म करने से बचें, कोई भी नवीन कर्म शुभ कर्म जो होता है उसको इस्तेमाल करने से बचें। इसके साथ ही हम आपसे कहना चाहेंगे, उन सभी लोगों से कहना चाहेंगे जो हमें पैसे नहीं दे सकते कंसल्टेशन के लिए, हालांकि हम कंसल्टेशन का कोई पैसा नहीं लेते लेकिन उसके साथ हमने पूजा अनिवार्य कर रखी है तो वो पैसे पूजा के लिए लिए जाते हैं। हम आप लोगों की आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से, आपके खराब ग्रह के हिसाब से उसी पैसे में आपकी पूजा करते हैं। फिर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हमने एक व्यवस्था की है और एक मोबाइल ऐप डेवलप कराई है। उस मोबाइल ऐप के माध्यम से जिसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप गूगल प्ले स्टोर से वो ऐप डाउनलोड करिए और वहां पर हमने स्वामी प्रिंस ऋषि जी की ड्यूटी लगाई हुई है कि वो अपनी टीम के साथ आप लोगों की बिना किसी शुल्क के मदद करें। तो अब से वो लोग जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो वो केवल और केवल मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वामी जी से कंसल्ट करें और बार बार उसे फॉर्म को फिलअप ना करें। एक जने का फॉर्म एक ही बार अटेंड किया जाएगा। तो आप ऐप डाउनलोड कर लें और मोबाइल उस ऐप के थ्रू आप स्वामी जी से कंसल्ट कर अपनी परेशानियों के लिए उपाय जान सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, बात करते हैं तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वालों के जो ग्रह हैं वो थोड़ा उनको बदनामी की तरफ इंगित कर रहे हैं कि आने वाले समय में उनकी बदनामी हो सकती है। वैसे तो आप इस बात के लिए भी अपने जीवन साथी से और आपके मध्य जो 36 का आंकड़ा हमेशा बना रहता है, लगभग बात छोटी छोटी बातों में आपका झगड़ा होता रहता है, उस बात के लिए पहले से ही अड़ोस पड़ोस में बदनाम होते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो वास्तव में तुला राशि वाले हैं और या तुला लगन वाले लोग हैं। खाली नाम वाले तुला राशि के लोगों की बात नहीं कर रहा क्योंकि नाम तो आप अपना कुछ भी रख सकते हैं। तो ऐसी व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए भरपूर प्रयास करें, जीवन साथी से संबंधित और अपने ग्रह से संबंधित अपने आप को मजबूत बनाने के लिए रतन की एक अंगूठी अवश्य ही अपने हाथ में धारण करें जिससे आपके जीवन में आप स्ट्रांग बने रह सकें और आपकी और आपके जीवन साथी के मध्य अच्छे संबंध बनकर रह सकें। बात करते हैं भाई बहनों के साथ भी थोड़ी सी अड़चन आने की संभावना दिखाई दे रही है किंतु माता का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होकर आपके जीवन में खुशियां ला रहा है। परिवार के लोग भी माता के आशीर्वाद के साथ माता के साथ आपके सहयोगी बनने को तैयार हैं, अपना आशीर्वाद आपको दे रहे हैं जिससे आपकी काफी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बात करते हैं स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट का अच्छा समय, इस समय जो भी पढ़ेंगे निश्चित रूप से उनके काम आ सकता है तो पढ़ाई लिखाई पर फोकस करें क्योंकि आज अगर कैरियर बना लेंगे तो पूरे जीवन भर वही वो कैरियर उनको सुखोपार्जन में काम आएगा। तो वो स्टूडेंट जिनका मन ही पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आते, वो बिना किसी झिझक के अपने परिवार वालों के साथ हमसे स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संबंध स्थापित करें फोन कॉल वीडियो कॉल ईमेल के द्वारा या जब समय ठीक हो जाए तो पर्सनली मिलकर भी आप हमसे संबंध स्थापित कर सकते हैं।
और अपनी जन्म कुंडली दिखाकर छोटे छोटे उपायों के द्वारा न सिर्फ पहले से ज्यादा नंबर आया करेंगे आपके, अपितु आपका मन भी पढ़ने लिखने में लगने लगेगा, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बात करते हैं बीमारी से संबंधित, तो बीमारी से संबंधित कुछ अड़चने आपका पीछा कर रही है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है, लंग्स में इंफेक्शन हो सकता है, बहुत सतर्क रहिए, समय बिल्कुल भी फेवर में नहीं है इस बात के लिए, या अचानक से गठिया या जोड़ों का दर्द आपको बेहाल कर सकता है, बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जरा सी लापरवाही आपकी अकेले की नहीं, इस वायरस के कारण बहुत सैकड़ों लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है, तो सतर्क रहिए, जरा सी परेशानी होने पर योग्य चिकित्सक को दिखाइए। किंतु हाँ, गठिया रोग की अगर आपको प्रॉब्लम है और सॉर्ट आउट नहीं हो रही है डॉक्टरों के द्वारा, तो आप हमसे भी उस रोग के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। बात करते हैं उन लोगों की जिनको, जो निसंतान है, बहुत कोशिश करने के बाद भी संतान रूपी खुशियां उनके जीवन में नहीं आ रही है, डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, या फिर उनको बार बार मिसकैरेज के कारण डॉक्टर भी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे, तो ऐसे लोग बिना किसी चीज के एस्ट्रोलॉजी का सहारा लें, एस्ट्रोलॉजी के द्वारा कुछ न सिर्फ अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं, अपितु एक बच्चे की किलकारी भी आपके घर आंगन में खेल सकती है, गूंज सकती है और आपको खुशियां प्रदान कर सकती है। जय श्री देव, मैं गीता लक्ष्मी नगर से, और काफी टाइम से हम काफी परेशान थे काम को लेकर के, अपना कोई भी काम नहीं बन रहा था उसको लेके काफी परेशान थे। मैंने यूट्यूब पे गुरु माँ की वीडियो देखी थी, तो मैं यहाँ पर आई थी नौकरी के लिए, आई थी यहाँ पर, गुरु माँ ने मेरी कुंडली देखी, कुंडली देखने के बाद में मुझे बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक रिंग भी बनवाई है ये, तो उसके बाद हमारे सारे काम बनने लग गए। टाइम टाइम से गुरु माँ ने जो मार्गदर्शन किया, जो बताया, वो हमने किया, उस तरह से करते रहे हैं, तो उससे हमारे सारे काम बनने लग गए। जैसे कि मेरा अभी जॉब भी अच्छा हो गया, मेरे काम नहीं बन रहे थे, काम बनते बनते रुक जाते थे, तो वो काम सारे बनने शुरू हो गए, अच्छे काम बन रहे हैं। दूसरा, मेरा मकान का, कई सालों से मकान का नहीं बन पा रहा था, काम बनता था, लास्ट मोमेंट पे आते आते वो कैंसिल हो जाता था, नहीं हो पा रहा था, तो वो काम बना, आज हमारा अपना मकान हो गया, रजिस्ट्री हो गई, और हम इसी हफ्ते में शिफ्ट करने वाले हैं, गुरु जी की कृपा से, गुरु माँ जी की कृपा से, और सब कुछ देख रहे हैं, देखते देखते सारे काम बन रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, और गुरु माँ के आशीर्वाद से आगे भी सब अच्छे। तो मैं आप लोगों को सबको यही कहूंगी कि आप लोग इस विश्वास से एक बार गुरु माँ गुरु जी को अपनी कुंडली दिखाइए और अपनी परेशानियों के उपाय जरूर करवाएं, क्योंकि मुझे फायदा हुआ तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी वो फायदा जरूर हो। शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर आए, गुरु जी और गुरु माँ को अपनी कुंडली दिखाएं, कुंडली दिखा के अपनी समस्याओं का उपाय एक बार जरूर करवाएं। बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी ही नहीं हुई है, सिर के बाल सफेद होते जा रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी उनको अंकल आंटी कह के चिढ़ाने लगे हैं, बार बार रिश्ते होके टूट जाते हैं, ऐसे लोग बिना किसी झिझक के अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए अब एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले ही लें, और एस्ट्रोलॉजी के द्वारा छोटे छोटे उपाय एस्ट्रोलॉजी के अपनी गृह पीड़ा को दूर कर अपने जीवन में जीवन साथी रूपी खुशियां लाने का प्रयास कर सकते हैं। बात करते हैं आपके भाग्य की, तो भाग्य थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, कार्यस्थल के हालत भी भाग्य की वजह से खराब हो रहे हैं, बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आमदनी के हालात भी आपके अचानक से बीमारी में खर्च होने लगेगा आपका पैसा, बहुत सावधान रहिए, बहुत सावधान रहिए, हम आपको बार बार वार्निंग दे रहे हैं, कहीं छोटी सी गलती आपके लिए बहुत बड़ा खतरा ना बन जाए। आज की आप लोगों के लिए जो लव टिप्स है उसके लिए हम कहना चाहेंगे कि आप भगवान शनिदेव की जितनी सेवा करेंगे उतना ही आपके प्रेम संबंधों में आराम मिलेगा, लेकिन ये पूजा पाठ जो भगवान शनिदेव का है वो किसी से मत कराइएगा, आपको खुद करना है। अगर पूजा की विधि नहीं मालूम तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से हमें ईमेल कर दीजिए, वहां से ईमेल लेकर हम आपको पूजा की जो हमारी छोटी सी विधि बनाई हुई है आप लोगों के लिए वो हम आपको भेज देंगे, उसे आप पूजा में अपनाइए और अपने प्रेम संबंधी को मजबूत बनाइए, खुशहाल बनाइए। किंतु
अगर आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप हमसे फोन कॉल, वीडियो कॉल, ईमेल के द्वारा संबंध स्थापित कीजिए, या समय सही होने पर आप हमसे भी मिलने आ सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियां लाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।